भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने 1 लाख पौधे लगाने का संकल्प लिया है। संकल्प के तहत विभिन्न जगहों पर पौधारोपण किया जा रहा है। इसी के तहत भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद के द्वारा हजारीबाग के बिशप हाउस और मूकबधिर स्कूल के बच्चों के बीच स्कूल कैंपस में ही पौधारोपण किया गया। मौके पर भाजपा नेता प्रदीप प्रसाद ने कहा कि अब तक 50,000 से ज्यादा पौधे वो लगा चुके हैं और इसमें उन्हें लोगों का काफी सहयोग भी मिल रहा है। उन्होंने आम लोगों से भी पौधारोपण की अपील की है। देखिए, हजारों बागों का शहर हजारीबाग, उसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाया था, 1 लाख पौधा हजारों बाग के नाम। 1 लाख पौधा लगाने का संकल्प हम लोगों ने लिए थे। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बहुत खुशी होती है जब हमारे सारे इंस्टीट्यूशन के लोग वेलकम कर रहे हैं इस काम के लिए। और आप देख रहे होंगे कितने छोटे मोटे बच्चे, नन्हे मुन्ने बच्चे खुश हो रहे थे एक वृक्षारोपण को लेकर, तो इससे हम लोग का उत्साह बढ़ता है। अभी तक हम लोग 50,000 से ज़्यादा पौधे लगा चुके हैं और आने वाले दिनों में जो लक्ष्य है हम लोग निश्चित तौर पे आसानी से पूरा कर पाएंगे। कब पहले डर लग रहा था, पता नहीं हम लोग कर पाएंगे या ना कर पाएंगे, लेकिन जितने हमारे फादर सिस्टर जिस तरह से सब लोग सहयोग कर रहे हैं तो इस मुकाम को हासिल करना बहुत बिल्कुल आसान लग रहा है। और अगले साल 1 लाख जो पौधे लगाने का मुहिम है उसको शायद हम लोग दोगुना करने का प्रयास करेंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ सारे इंस्टीट्यूशन का, हजारीबाग का, और अपनी सिस्टर फादर सब सारे लोगों का जिन्होंने इस मुहिम में हम लोग को बढ़ चढ़ कर साथ दिया। और हम चाहेंगे पूरे हजारीबाग के क्षेत्र के जितने भी जनता हैं सब इस काम में आए और हजारों बागों का शहर हजारीबाग फिर से हजारों बागों का शहर एक सही रूप में स्थापित हो। विद्यालय परिवार में हमारे सर प्रदीप ने अपने ग्रुप के साथ वृक्षारोपण के लिए सबको लेके आए और हमारे कैंपस में हरियाली लाने के लिए कोशिश किए। हम इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हैं।